हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे हैं द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां हम रोज़ कुछ नया सीखते हैं। तो चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलियल एंड ईवीएल के बारे में। एलियल एंड ईवीएल खास करके उस फील्ड में है जो ज़्यादातर रिफाइनरी या किसी वायलेंट गैस या किसी केमिकल लाइन में वर्क करते हैं, वैसे लोगों के लिए है। लेकिन जब आप सुनेंगे एलियल ईवीएल तो आपको लग रहा होगा, अरे यार मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ इसके बारे में या बहुत बार सुना हूँ। लेकिन जो ये चीज़ें होती है ना, जो ये इस तरह का एटीट्यूड होता है कि मुझे तो पता है इसके बारे में, ये चीज़ें हमें आगे नहीं बढ़ने देती। आपको एक बात बता दूँ कि हर व्यक्ति अगर किसी चीज़ को अपने मुँह से या अपने द्वारा इस चीज़ को एलिबरेट कर रहा है, तो हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसी सोच होती है, एक अलग डिफरेंट सोच होती है, जो कुछ ना कुछ नया उसमें आपको देखने को मिलेगा या सुनने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में भी आई होप कुछ नया आपको देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि एलियल और ईवीएल होता क्या है। तो इस दोनों का फुल फॉर्म जैसे लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट और अपर एक्सप्लोसिव लिमिट है। अब ये दोनों क्या है कि एक रेंज है। रेंज मतलब क्या है, एक डिस्टेंस है किसी फायर को एराइज करने में। कि नॉर्मल है कि जैसे एक व्यक्ति है या 100 व्यक्ति हैं, अब 100 व्यक्ति है तो 100 में से 100 व्यक्ति का एक लिमिटेशन होगा, एक रेंज होगा किसी चीज़ को। सपोज दैट कोई इवेंट हमें उठानी है तो बहुत ऐसे लोग हैं कि जैसे 50 kg भी उठा सकते हैं, कोई 10 kg भी उठा सकता है, कोई 20 kg, मीन्स अलग अलग लोगों की अलग अलग रेंज है। उस रेंज में जैसे आप एलियल ईवीएल को अलग अलग बांटे तो ऐसे क्या है कि जैसे कोई पहलवान है, अगर वो 10 kg उठाता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, 15 kg उठाता है फिर भी कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वहीं जब 25 kg उठाएगा तो उसे लगेगा कि हाँ थोड़ा वेट उठा रहा हूँ, और मैक्सिमम 50 kg जाते जाते उसको लगेगा कि हाँ अब ज़्यादा हो रहा है, इससे ज़्यादा मैं नहीं उठा सकता। तो ये एक एलियल होता है। वैसे जैसे अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग रेंज है किसी चीज़ को उठाने का, वैसे ही अलग अलग वस्तु के लिए, अलग अलग फ्यूल्स के लिए, वस्तु ना कह के आप इसको फ्यूल्स कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि हर फ्यूल का एक रेंज होता है जहाँ वो जलता है, और अपने रेंज से ऊपर जाता है तो वो जलना बंद कर देता है। बस यही एक टेक्निक है जो हमें समझना होता है। और ख़ास करके आप सेफ्टी के फील्ड में समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं और कोई सामने वाला हमसे कुछ पूछता है तो हमें उसे समझाना होता है, ना कि हमें डिफिनेशन बक दिए और काम हमारा ख़त्म। नहीं, सामने वाला समझना चाहता है, सामने वाला खैर जानता है चीज़ के बारे में, लेकिन वो आपके मुँह से सुनना चाहता है कि आप किस तरह से उसको समझा पाते हैं, किस तरह से आप उसको सेटिस्फाइड कर पाते हैं। तो जैसे कि एलियल और ईवीएल है, तो किसी चीज़ का एलियल है कि वो जब 4% को क्रॉस करेगा, जो उसकी जलने की प्रक्रिया है, वो 4% को अगर क्रॉस करेगा तो जलना चालू हो जाएगा, और वहीं 50, 55, 70 तक जाते जाते उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, और उससे ऊपर अगर जा रहा है तो वो नहीं जलेगा, तो वो रेंज उसका ईवीएल होता है। अब एलियल और ईवीएल जो दोनों वर्ड है, दोनों का रिलेशन किसी से है, फायर से है, ठीक है। अगर एलियल क्रश करता है तो फिर वो फायर करेगा, ईवीएल के पहले है फिर वो फायर में रहेगा, मीन्स एक रेंज है जहां वो जलेगा, मीन्स पूरी बात किस चीज़ पे है, जलने पे डिपेंड है। अब एक टेक्निक बात सीखिए, जलने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, तीनों चीज़ें चाहिए। जैसे ऑक्सीजन आपको लगभग हर जगह मिल जाता है, आपको फ्यूल भी लगभग लगभग मिल ही जाएगा। रिसोर्स की ज़रूरत होती है तो सिर्फ एक इग्निशन सोर्स की, चलिए मैंने इग्निशन सोर्स भी दे दिया, तीनों चीज़ें मैंने इकट्ठी कर दी और आग भी लगा दिया, क्या वो चीज़ जलेगा? कभी नहीं जलेगा। जैसे मैंने एक लकड़ी रख दी और उसमें माचिस बार दी, उसमें आग लगा दिया, वो क्या होगा? नहीं जलेगा। अब नहीं जलेगा इट मीन्स यही हमें समझना है कि वो क्यों नहीं जल रहा है। वहीं मैंने एक कागज़ रखा और कागज़ में एक माचिस की तीली लगा दी, वो तुरंत जलने लगेगा। यही डिफरेंट होता है एलियल एंड ईवीएल में। अब क्या है, अब लकड़ी था, मैंने उसको इग्निशन सोर्स भी दिया, जला भी दिया और ऑक्सीजन भी वहाँ मिल गया, तीनों चीज़ मिल गया, अब उसे जलना चाहिए था लेकिन वो नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि वो जब तक अपनी
एलियल को पार नहीं करेगा तब तक वो नहीं जलेगा, तब तक वो केवल हीट होता रहेगा, और जब एलियल जैसे ही क्रॉस करेगा वो जलना शुरू कर देगा। ठीक है, अब ये एलियल, अगर वही बात अगर हम यूएल की करें तो यूएल में क्या होता है, जैसे अपर एक्सप्लोसिव लिमिट, जैसी है उसकी उस लकड़ी की वो मैक्सिमम सीमा है जहाँ तक वो जल सकता था। अब उस मैक्सिमम सीमा के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, जो मिक्सचर बनता है, जो हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन तीनों का जब मिक्सचर बनता है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो उस चीज़ को जला नहीं पाता है। जैसे हमारी कैपेसिटी है 10 kg लिफ्ट करने का, अगर मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर आप 20 kg हमें दे दें तो क्या होगा, हम अपने ईवीएल को पार कर चुके हैं, अब उसे उठाना मेरे बस की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ होता है एक एलियल और एक ईवीएल में, कि एलियल वो चीज़ें होता है जहाँ से कोई वस्तु अपना जलना प्रारंभ करता है, और यूएल वो चीज़ होता है जहाँ तक वो वस्तु जलने की कैपेसिटी रखती है। ना यूएल के ऊपर जलेगा वो, ना ही एलियल के नीचे जलेगा वो, मीन्स हर चीज़ का एक रेंज होता है जिस रेंज के अंदर वो अपनी जलना प्रारंभ करता है। जैसे हर कहते हैं कि हर किसी की अपनी एक सीमा होती है, हर किसी की अपनी एक औकात होती है, या हर किसी की अपनी मीन्स एक बॉन्डिंग होती है कि हम इस बॉन्डिंग के अंदर रह के भी खुशी से रह सकते हैं। अगर इस चीज़ से बाहर हमें कुछ है, जैसे हमारा माइंडसेट है कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ तो ज़्यादा खुश या ज़्यादा हैप्पी रिलीफ करता हूँ, लेकिन वहीं अगर कोई बोले कि नहीं यहाँ से रह के थोड़ी तुम्हें वहाँ जाना है या ऐसे कर रहा है, मीन्स हमारे माइंड के अनुकूल नहीं हो, तो क्या होता है, हमें तकलीफ़ देने लगता है। ठीक है, लेकिन जहाँ तक लगता है कि मैं सेटिस्फाइड हो सकता हूँ वहाँ तक मैं क्या करता हूँ, एक हैप्पी रिलीफ करता हूँ। वही चीज़ उसमें होता है कि जब उसकी जो रेंज है, जो उसकी एक सीमा है, उस सीमा के अंदर वो चीज़ रहता है तो वो जलता है। ठीक है, वो एलियल और ईवीएल बोला जाता है उस सीमा की बाउंड्री लाइन को। जैसे एक क्रिकेटर है, ठीक है, उसकी एक सीमा क्या निर्धारित की गई है कि अगर इस बाउंड्री लाइन तक आप मारते हैं तो अब क्या होगा, चौका होगा, छक्का होगा, या अगर फुटबॉल है तो इस सीमा के अंदर मारते हैं तो वो गोल होगा, लेकिन वहीं अगर सीमा के बाहर जाता है तो वो दोनों में से कोई नहीं होता। सेम चीज़ यहाँ है कि अगर उस सीमा के अंदर, उस बाउंड्री के अंदर, उस रेंज के अंदर कोई चीज़ है तो वो जलेगी, नहीं तो नहीं जलेगी। तो वो रेंज जहाँ से वो जलना शुरू करेगी वो एलियल होगा, और जिस रेंज में जाके वो जलना बंद कर देगी वो रेंज उसका ईवीएल होगा। तो आप इस तरह से किसी इंटरव्यूअर को आप सेटिस्फाइड करा सकते हैं कि सर कोई भी वस्तु जहाँ से उसका इग्निशन सोर्स, हीट और फ्यूल, ऑक्सीजन तीनों का जो बॉन्डिंग बनेगा, जिस रेंज में वो जलना शुरू करेगी वो उसका एलियल होगा, और जिस रेंज में वो जलना बंद कर देगा वो उसका ईवीएल होगा।